अहिंसा उड़े चलो अपने देश समझायो तो आधी साड़ी फाड़ के मैया ने लाला पे डाली। और बुजुर्गों एक बात याद रखना, जब एक लाश को लोग उठाते हैं तो चार कंधे लगते हैं। एक लाश को उठाने के लिए चार कंधे लगते, लेकिन मैया का वो दृश्य देखने लायक होगा जहां खुद अपने बेटे को अकेले, 7 वर्ष का बेटा महाराज मैया तारा जब लेके मरघट की तरफ भागी, एक ठोकर लगी मैया मुंह के बल जमीन पे आई, रज लगी ऐसो रज झाड़ के मैया लाला के माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे वो बच्चा एक बात पूछनी थी, तू हमें एक रास्ता बता के जाता कि तू अकेला था, मैं इसका मुंह देख के अब जिंदगी काटूंगी। माता हो घुटनों के बल सर को देखे मैया बोली, जेठ लपट की आगी। अरे भैया
मुसीबत आगे न मेरे थोड़ी महाराज मरघट की तरफ चली। एक विद्वान लिखते हैं कि जब मरघट की तरफ चलती जा रही है, एक एक शब्द पर ध्यान देना। लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाल वाली लाली बिन लाल चली, लाश लेके लाल की शमशान हो चली। पत्नी कौन? पत्नी तारा कौन? तारा चली।
मैं रिश्ते निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ। महाराज जी आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। बोले नहीं जानता। महाराज जी आपका खून है, आप ऐसे नहीं भूल सकते। बोले नहीं, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। पांच तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। ए हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे तेरी तारा रानी, मन घटके घट घट बासी ने लीला रची निराली, मन घटके घट घट जा रहे। या महाराज बेटा बेटा होता है, थोड़ी देर के लिए राजा पीठ फेरे के खूब रोए और कहा है बिना कर काटका लिए लहस नहीं जलेगी। जब समझा दिया आधी साड़ी जो शरीर पे थी वो भी खींच ली। ए विरथा लाश धरे मरघट पे रोए रही ताना ना, युको मरन मेरो नहीं तू नारे हमारे। नगिन अवस्था में मैया भागी। और बुजुर्गों, आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। ओ वासी कष्ट में तो थी, काली माँ के मंदिर में पहुंची तो काली माँ के मंदिर में मैया बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी। तो ऐसी बेहोश हुई कि नेत्र खुले ही नहीं। बारे विश्वामित्र चार मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके मैया के चारों तरफ लिटा दिया और वहां से भागे काशी नगरिया में आवाज लगाई है काशी के लोगों, तुम्हारे यहाँ जो मंदिर है ना काली का, उसमें एक डायन आई है जिसने बहुत सारे बच्चों को मार दिया। चार बच्चे मरे पड़े हैं, अपने अपने बच्चों को अंदर रखना, पता नहीं कब किधर वो डायन मुड़ जाए, सबके बच्चों को मार डालेगी। अब काशी नगरिया के लोग इधर उधर भागने लगे। काशी के जो राजा वो कालू मेहतर को बुलाते, कालू मेहतर से कहा जा कोई डायन आई है उसे मार के आ। तो कालू मेहतर ने खुद न जाए के हरिश्चंद्र को बुलायो और जवाब दो रे हरिया इधर आ। क्या हुआ साहब? बोले कोई डायन आई है उसे मार के आ।
बुजुर्गों लिखते हैं यहाँ विद्वान, क्या नजारा था वो राजा हरिश्चंद्र का। पूस कर गए पंड नारी पे अत्याचारी गई दादा जाके स्वयं की पत्नी है, लेकिन चार मुर्दा बालक पड़ी। अब राजा को बड़ी चिंता हुई, विचार किया कि ये इसने तो चार चार बेटों को मार दिया, केस पकड़ के खड़ा कर लिया, दांती पीस के राजा कहने लगा तूने इन बच्चों को क्यों मारा। रानी बोली क्या बोल रहे हो। बोले हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये चार चार बच्चे तूने इनको क्यों मारा। महाराज मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने तो अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चे खा लिए। महाराज आपको किसी ने बहका दिया, मुझ जैसी नारी भला कभी ऐसा कर सकती है। बोले मैं जानता हूं तू अपने पुत्र के गम में पागल हो गई, तूने इन बच्चों को मारा। मैया बार बार हाथ जोड़ रही, महाराज आप मुझे इतना तो जानते, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्षत्र धर्म का नशा ऐसा चढ़ा कि वो नशा जब नहीं उतर रहा है। दांती पीसी राजा ने तलवार को उठाया, ए दांती पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है लला। अरे धड़ धड़ बादल गरजी उठे और पृथ्वी गई आई है। धड़ धड़ बादल भगवान ने फोर नलिनी धाम चलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी क्यों ज्यादा तू अकुलाई है। नगिन अवस्था में थी माँ, पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो पतन पे गोली पटाई है। पीतांबर
जवाब दिया ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है और पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। धन्य है राजा तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ परीक्षा थी। महाराज जब परीक्षा ही थी तो बेटा कहाँ है? उनको बुला, आवाज लगाइए। रोहित खेलता हुआ आ गया, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे, खड़े खड़े विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ जी आ गए। वो कालू नाम का मैत्र जो था वो साक्षात धर्मराज थे, वो भी आ गए। धन्य हो राजा। महाराज इतनी बड़ी परीक्षा, और एक बात कही नाथ, हमारी परीक्षा लई सतयुग में बतो लई, लेकिन कलियुग में कहूं का हुआ आदमी की परीक्षा मत लियो। और एक निवेदन बोले क्या, आप मुझे अगर कुछ दें भी ना तो साईं इतनो दीजिए जा में कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो। और आजकल को भगवान आया थे तो सीधी काते सुन लियो, साईं इतनो दीजिए जा से बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार और पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। माँ से कहा आप वरदान मांगिए, तो मैया ने हाथ जोड़े, हे नाथ जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही पुत्र पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। उस समय वर्षों तक राजा ने राजगद्दी संभाली। उसके बाद में स्वयं राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहित को राजगद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।